दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी दबाइए, और उसके साथ वो बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट हमेशा मिलती रहे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्शल मुदिराज और आज एक बायोग्राफी वीडियो होने वाली है। अगर आप मेरी तरह फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग को बहुत ही पैशनेटली फॉलो करते हैं तो आप ये फोटो देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किसके ऊपर बायोग्राफी बनाने वाला हूँ। इनकी लाइफ स्टोरी बहुत ही डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू बाकी बॉडी बिल्डर्स या पावर लिफ्टर्स। जो स्ट्रगल होता है इन्होंने अपनी लाइफ में, जो स्ट्रगल देखा है और उसमें से ऊपर आए हैं, ये हाईली मोटिवेट करेगा आपको ये बायोग्राफी सुनने के बाद। सो मैं बात कर रहा हूँ 3-time वर्ल्ड बेंच प्रेस चैम्पियन और 3-time वर्ल्ड स्ट्रिक्ट कर्ल चैम्पियन सिटी फ्लेचर के बारे में। सो सिटी फ्लेचर सिर्फ एक वर्ल्ड चैम्पियन ही नहीं है लेकिन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है और एक फिटनेस आइकॉन है, और इनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि इनके जो स्पीच होते हैं मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं और एक एनकरेज करते हैं एथलीट्स को, वो बहुत ही अलग है डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स से कंपेयर करें तो। बात करते हैं कि कैसे हार्ट अटैक को सर्वाइव करने के बाद भी ये पावर लिफ्टिंग में आए और इतने बड़ा नाम कमाया बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में भी। सो एथलेटिक स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, जब सिटी फ्लेचर कम्पीट किया करते थे तब उनका स्टेज वेट था 225 पाउंड्स से लेके 235 पाउंड्स, जो इक्विवेलेंट है 102 किलोग्राम्स और 106 किलोग्राम्स। इनकी हाइट है 5'11" और इनका जन्म हुआ था 1959 और नेशनलिटी से यह है अमेरिकन। सो प्रोफेशन से ये एक पावर लिफ्टर है, बॉडी बिल्डर है, पर्सनल ट्रेनर है और फिगर कॉम्पिटिटर भी है। इनका एरा स्टार्ट हुआ था 1980 में और 2010 तक इनका एरा कंटिन्यूड रहा। सो एकम्प्लिशमेंट्स की बात करें तो ये तीन बार वर्ल्ड बेंच प्रेस चैम्पियनशिप जीत चुके हैं, 3 बार वर्ल्ड स्ट्रिक्ट कर्ल चैम्पियनशिप जीत चुके हैं, एक सीनियर आर्मी वेटेरियन है और एक सक्सेसफुल जिम ओनर भी है। सो अगर आप पावर लिफ्टिंग बैकग्राउंड फॉलो करते हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि वर्ल्ड बेंच प्रेस चैम्पियन कितना बड़ा नाम होता है पावर लिफ्टिंग बैकग्राउंड में, और स्ट्रिक्ट कर्ल चैम्पियन रह चुके हैं 3 बार। सो जिन लोग को नहीं पता कि बेंच प्रेस या स्ट्रिक्ट कर्ल चैम्पियन क्या होता है पावर लिफ्टिंग में, तो मैं आपको सरफेस इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जो हम बेंच प्रेस लगाते हैं जिम में उसी में आपको सबसे ज़्यादा वेट लगाना होता है 1-2 रैप्स, लेकिन एक बहुत ही अच्छे फॉर्म के साथ, और पूरा जो उनकी जो रेफरीज होते हैं वो आपको ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से आप बेंच प्रेस लगा रहे हैं या स्ट्रिक्ट कर्ल लगा रहे हैं। सो स्ट्रिक्ट कर्ल में क्या होता है कि आपको कोई मूवमेंट नहीं करनी होती है, सिर्फ आपको एल्बो मूवमेंट या आपकी फोरआर्म मूवमेंट करके बारबेल को कर्ल करना होता है, उसे कहते हैं स्ट्रिक्ट कर्ल। सो पूरे वर्ल्ड से एथलीट कम्पीट करते हैं वहाँ, और सिटी फ्लेचर 3 बार उस कम्पिटिशन को जीत चुके हैं और 3 बार वर्ल्ड चैम्पियन भी रहे हैं। इसी के साथ आर्मी में भी वो थे और फिलहाल जिम चलाते हैं आयन एडिक्स के नाम से, जो अगर आप सिटी फ्रैक्चर या कैली मसल को यूट्यूब के ऊपर फॉलो करते हैं तो आपने बहुत बार आयन एडिक्स का नाम सुना होगा, इस जिम का नाम सुना होगा। सो बात करते हैं इनके बायोग्राफी के बारे में। सो इनका जन्म हुआ था 1959 पाइन ब्लफ एकरंस में। सो वहाँ पे वो उनका जन्म हुआ था, उनके पिताजी एक फील्ड वर्कर थे और उनकी मॉम एक हाउसवाइफ थी। सो उनके मॉम डैड को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से थे। सो सिटी फ्लेचर जब 1 साल के थे उनकी फैमिली ने माइग्रेट किया वैट्स में, और उसके बाद वापस उन्होंने माइग्रेट किया कॉम्प्टन में। सो उनका बचपन, उनके टीनेजर्स कॉम्प्टन इस शहर में बीता है जहाँ पे उन्होंने पूरा अपना टीनेजर बिताया। सो वो बहुत ही एक्सट्रीम रफ और वायलेंट एनवायरमेंट में बड़े हुए हैं, और उनके पिताजी वो क्लेम करते हैं कि उनके पिताजी उनके साथ उनके बड़े भाई के साथ फिजिकल अब्यूज़ किया करते थे। सो इस सब से दूर जाने के लिए उन्होंने एक लोकल गैस स्टेशन पे काम करना चालू किया। सो 12 साल की उम्र में उन्होंने जॉब भी करना स्टार्ट कर दिया एक लोकल गैस स्टेशन के ऊपर। उनको वो जॉब बहुत पसंद भी आता था और पूरी ईमानदारी के साथ वो जॉब किया करते थे, लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद उनके फादर ने उनको डिमांड किया कि वो चर्च में काम करें। सो पूरे 6 सालों तक अपने पिताजी के लिए उन्होंने चर्च में काम किया, और अपने 18th बर्थडे पे उन्होंने वो काम क्विट कर दिया। वो काम क्विट करने के बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी को ज्वाइन किया और उनकी स्टेशनिंग हुई जर्मनी में। सो आपको बताया कि अगर आप आर्मी ज्वाइन करते हैं तो अलग अलग शहरों में आपकी स्टेशनिंग होती है। सो सिटी फ्लेचर ने अपने बहुत सारा टाइम जर्मनी में बिताया। सो जर्मनी में उनकी ट्रेनिंग हुई और वहाँ पर उनको मार्शल आर्ट्स और
उसमें से भी स्पेशली कराटे को सिखाया गया था। सो ब्रूस ली और मोहम्मद अली जो बहुत बड़े लेजेंड्स हैं कराटे और मार्शल आर्ट्स में, उनको देख के इंस्पायर हुए और उन्होंने भी मार्शल आर्ट्स करना स्टार्ट कर दिया। सो 1979 में उनको सेकेंड डिग्री ब्लैक बेल्ट भी मिला कराटे में। सो यूएस आर्मी को छोड़ने के बाद जब वो वापस अपने घर आए तो उन्होंने एक यूएस पोस्टल सर्विस में काम करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर ही उनकी उसकी मुलाकात हुई उनके हाई स्कूल फ्रेंड से और उन्होंने उनके साथ शादी भी कर ली। सो शादी होने के बाद उन्होंने अपने बॉडी बिल्डिंग करियर को ऊपर ध्यान दिया और अपने वेट लिफ्टिंग के ऊपर ध्यान दिया। मैं आपको बता दूं कि सिटी फ्रैक्चर कोई स्टार्टिंग से वेट लिफ्टिंग बैकग्राउंड में नहीं आना चाहते थे, उनका प्राइमरी फोकस था बॉडी बिल्डिंग शोज़। तो उन्होंने बॉडी बिल्डिंग शोज़ में कम्पीट भी करना स्टार्ट किया, उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की 1980 में। सो 1980 में जब उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की और थोड़े बहुत कॉम्पिटिशन्स खेलने स्टार्ट भी किए और उनकी प्लेसिंग भी बहुत अच्छी आ रही थी, यानी कि टॉप थ्री में हमेशा प्लेस होते थे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में। जब वो ट्रेनिंग क्या करते थे तो हमेशा एक उनका ध्यान इसके ऊपर गया कि कैसे उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, यानी कि वो हर दिन जब ट्रेन क्या करते थे तो धीरे धीरे उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही थी। जितना वेट वो लिफ्ट कर रहे थे उसके एक या दो हफ्ते बाद उसका डबल वेट वो लिफ्ट कर पा रहे थे। सो उन्होंने ये सोचा कि अगर इतनी मेरी में स्ट्रेंथ है तो क्यों ना मैं पावर लिफ्टिंग कंटेस्ट भी खेलना स्टार्ट कर दूँ। सो उनके अंदर एक एनॉर्मस पोटेंशियल था इस स्पोर्ट के लिए और उन्होंने पावर लिफ्टिंग भी करना स्टार्ट कर दिया। सो 1990s में उन्होंने अपने फर्स्ट वाइफ के साथ डाइवोर्स लिया और 5 सालों के बाद उन्होंने वापस अपने पोस्टल ऑफिस में जब वो काम करते थे वहाँ पे उनके कलीग के साथ उन्होंने शादी कर ली। सो अब उनके टोटल 7 बच्चे हैं और उनका एक ग्रैंड चाइल्ड भी है। सो सिटी फ्रैक्चर एक बहुत ही अनहेल्दी डाइट फॉलो किया करते थे जब वो वर्ल्ड कॉम्पिटिशन खेला करते थे, यानी कि आपको पता है कि पावर एथलीट्स को अगर आप देखें तो उनका साइज बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत फैट कैरी करते हैं हमेशा क्योंकि उनको कैलोरी बहुत सरप्लस रखना पड़ता है एक अच्छा बेंच प्रेस या अच्छा स्ट्रिक्ट कर्ल लगाने के लिए। आप जितने भी पावर एथलीट देख लीजिए, टॉप एथलीट्स आप देखेंगे पावर लिफ्टिंग बैकग्राउंड के, वो बहुत बल्की होते हैं। सो सिटी फ्रैक्चर भी बहुत सारा कैलोरीज कंज्यूम किया करते थे लेकिन वो ज़्यादातर कैलोरीज फास्ट फूड, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, बर्गर्स और इससे आते थे, यानी कि बहुत ही अनहेल्दी डाइट फॉलो किया करते थे। शुरुआत में तो उन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन धीरे धीरे उनकी जो तबीयत है वो ख़राब होती गई और उनको फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल और क्लिनिक्स के दौरे लगाने पड़े। सो 2001 तक सिटी को पता चल गया था कि बहुत ही अनहेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं और डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था कि आप हाइपरटेंशन के शिकार हो सकते हैं और आपके हार्ट के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो सिटी फ्रैक्चर ने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो अपने डाइट कंटिन्यूड रखे उन्होंने। सो May 26, 2004 को सिटी फ्रैक्चर की मॉम की डेथ हो गई हार्ट फेलियर की वजह से। सो हार्ट फेलियर की वजह से सिटी फ्रैक्चर ने इस न्यूज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं लिया। ऑफकोर्स अगर आप सोच के देखिए किसी की भी मॉम की डेथ होगी तो वो ज़रूर शॉक में चला जाएगा। सो एक बहुत ही ट्रेजेडिक उनके साथ ये हादसा हुआ और एक साल के बाद May 20, 2005 में उनको एक ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ी USI मेडिकल सेंटर जो लॉन्ग बीच में है, वहाँ पे उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी। सो ये इसी कारण हुआ था कि उन्होंने इतने साल तक अनहेल्दी डाइट फॉलो किया था। सो ये सर्जरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी। इस सर्जरी में वो 3 बार फ्लैट लाइंड हुए थे। फ्लैट लाइन का मतलब आपको पता होगा कि एक जो मॉनिटर होता है वह जहाँ पे आपकी हार्ट बीट रिकॉर्ड होती है, अगर वो फ्लैट हो जाए तो मतलब आप बहुत ही डेथ के पास आ चुके हैं, आपकी हार्ट बीट बहुत स्लो हो चुकी है। सो ऐसा 3 बार हुआ था उस सर्जरी में। सो 3 बार उन्होंने मौत को चकमा दिया है और उसमें से वापस आए। तो सर्जरी से सर्वाइव तो हो गए लेकिन उनकी जो पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग बैकग्राउंड था वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। उनको कई महीनों तक एक इंटेंसिव केयर में रखना पड़ा था हॉस्पिटल में। सो हॉस्पिटल से वापस आने के बाद वो बहुत ही फ्रेगाइल और बहुत ही वीक हो गए थे, जो उनकी साइज थी वो बहुत ही डाउन हो गई थी। सो उन्होंने इसमें से सीख ली और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की लाइट वेट के साथ और क्लीन फूड भी खाना स्टार्ट कर दिया। सो सिटी फ्रैक्चर ने पूरी तरीके से आपको खुद को रिकवर कर लिया है और एक बहुत ही अच्छे अब दिखते हैं। सो 2012 में उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी जर्नी उनके अपने फैंस के साथ शेयर की थी। उनकी एक फिल्म भी आई थी, मैग्निफिसेंट नाम से फिल्म आई थी। सो अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो जनरेशन आन के वेब पेज पे आपको ये फिल्म देखने मिल जाएगी। सो बात करते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। सो सिटी फ्रैक्चर का कोई सेट ट्रेनिंग प्लान नहीं होता, उनको जो फील होता है, उनके जो मर्जी आए वो तब जाके ट्रेन करते हैं अपने बॉडी को सुन के। और इवन रेपिटेशंस भी उनके कुछ फिक्स नहीं होते,
वो कभी कभार हैवी लिफ्टिंग करेंगे तो सिर्फ एक ही रेप लगाएंगे या फिर 30 के ऊपर भी रेप चले जाते हैं। सो सीटी फ्रैक्चर का एक यूनिक वर्कआउट पैटर्न होता है जिसको वो कहते हैं वन मोमेंट वर्कआउट। सो इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई सपोज लेग स्ट्रेन कर रहे हैं तो सीटी फ्रैक्चर पूरे वर्कआउट में सिर्फ स्क्वाट्स ही लगाएंगे विदाउट ब्रेक, यानी कि आपको इतने स्क्वाट्स लगाने हैं कि जब तक आप अनदर रेपिटेशन ना कर पाए, मतलब आप पूरे एग्जॉस्ट होंगे तब तक वो आपको ट्रेन करते रहेंगे। अगर आपको उनकी एक्सरसाइजेस की लिस्ट देखनी है तो मैंने उनके आर्म्स, शोल्डर्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप, बैक और लेग्स की सारी ट्रेनिंग अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सिटी फ्रैक्चर का वर्कआउट कैसे होता है। सो बात करते हैं न्यूट्रिशन की। सो सिटी फ्रैक्चर बहुत ही क्लीन फूड खाते हैं अपने जिम को एक रिकवर करने के लिए, अपने मसल्स को रिकवर करने के लिए। उनके फूड में 10% फैट, 50% प्रोटीन और 40% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वो अपना कैलोरीज या कोई ग्राम को मेजर नहीं करते हैं, वो सिर्फ अंदाज से लेके इस परसेंटाइल के ऊपर अपना फूड कंज्यूम करते हैं। अगर आपको उनका मील प्लान देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मील प्लान भी मेंशन किया है, आप जाके मील प्लान देख सकते हैं उनका। सो सिटी फ्रैक्चर ने US आर्मी में सर्व किया है, कराटे में अपना बहुत बड़ा नाम कमाया है, उसके साथ पावर लिफ्टिंग में नाम कमाया, बॉडी बिल्डिंग में नाम कमाया। इवन दो उनका जो हेल्थ इतना ख़राब हो गया था, अपने टीनेजर्स में उसको इतना स्ट्रगल करना पड़ा था, इसके बावजूद वो ऊपर आए। सो मैं आशा करता हूँ कि आप ये बायोग्राफी सुन के थोड़े बहुत इंस्पायर होंगे और अपने जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है लाइफ में उसको भी आप इसी तरह से टैकल करेंगे। सो सिटी फ्रैक्चर हमें यही सिखाते हैं कि जो अपना पाथ है वो डिसाइड कर लो और अपना 100% दो और किसी नए सीएस के ऊपर ध्यान मत दो और अपना डिसिप्लिन रखो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और उसी के साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का आइकॉन है उसको क्लिक कर देना। सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही को फ़ायदा है, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके फ़ोन, पीसी और टैबलेट पर नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे फर्स्ट देख सकते हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आई एम हर्षल मुदिराज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग आउट।